हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज बात करने वाले हैं अपने यूट्यूब वीडियो का लिंक फेसबुक में कैसे कॉपी करें ताकि सब्सक्राइब भी बढ़े और व्यूज़ भी बढ़े, ताकि आप लोग को समझ में आए और वीडियो में एंड तक बने रहे फ्रेंड्स। आज ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे आप लोग का, सारा बताएँगे स्टेप बाई स्टेप, और जो है कि फ्रेंड्स आपका व्यूज़ भी बढ़ेगा और आपका और चैनल का सब्सक्राइब भी बढ़ेगा फ्रेंड्स। तो हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें, सारी चीज़ बताएँगे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और फ्रेंड्स हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है और फेसबुक का भी लिंक है, उसे जाके फॉलो करें फ्रेंड्स। और जो भी आप लोग को पूछना है फॉलो करें, आप लोग उसमें पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। चलिए तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। YT स्टूडियो ओपन हो चुका है और देखिए थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, इसे ओपन करेंगे। और देखिए शेयर वीडियो का ऑप्शन है और एडिट का ऑप्शन है, प्ले वीडियो का ऑप्शन है। और देखिए हमें कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला जो है ऑप्शन है शेयर वीडियो पर क्लिक करना है। और देखिए हमारा ओपन हो चुका है कॉपी करने का, देखिए यहाँ पे कॉपी लिखा हुआ है, इसे हमें कॉपी करना है। कॉपी कर लेते हैं और फ्रेंड्स हम आ जाते हैं बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हम आ जाते हैं इसमें क्रोम ब्राउज़र में, और क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद हमें लिखना है ओपन इन ऐप में आना है फ्रेंड्स, हमें ऐड कर लेना है, लिख लेना है ओपन इन ऐप में आना है। और ओपन इन ऐप में आने के बाद हमें इसे क्लिक करना है ओपन इन ऐप। देखिए हमारा ओपन इन ऐप हमारा चालू हो चुका है। और देखिए यहाँ पे ओपन इन ऐप जो है एक होता है सॉफ्टवेयर, उसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन इन ऐप को हमने ओपन कर लिया, देखिए हमारा स्टार्ट हो रहा है। और फ्रेंड देखिए हमारा जो है कि पहले इसको आप लोग को जो होता है अपने जो भी हो जीमेल से ऐड करना होता है, वो हम आप लोग को अगली वीडियो में बना कर दे देंगे, ताकि उसमें से देख के आप लोग ताकि ऐड कर सकेंगे। तो देखिए यहाँ सेव सेट लिंक पे क्लिक करना है आप लोग को फ्रेंड्स। तो हमने क्लिक कर लिया है और जो हमने वीडियो का लिंक कॉपी किया था यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है। हमें यहाँ पे देखिए हमने पेस्ट कर दिया है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जेंडर लिंक, इसी पे क्लिक कर दें, जेंडर लिंक पे क्लिक कर देना है। और देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो का लिंक आ चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉपी का ऑप्शन, तो हमें इसे कॉपी कर लेना है। तो फ्रेंड हमें फिर बैक आ जाना है, बैक आने के बाद हमें जाना है फेसबुक पर। फेसबुक पर जाएंगे फ्रेंड, यहाँ पर देखेंगे हम देखिए हम फेसबुक ओपन कर लिए हैं। और देखिए हमारा प्लस का आइकन दिख रहा है, इसे हम क्लिक कर लेंगे। और क्लिक करने के बाद देखिए पोस्ट का ऑप्शन है, स्टोरी का ऑप्शन है, रील्स का ऑप्शन है, लाइव का ऑप्शन है, तो हमें इसमें नहीं जाना है, हमें क्लिक करना है पोस्ट के ऑप्शन पे। और पोस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम पोस्ट करेंगे, देखिए अपना नाम का लोगो आ रहा है और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है अपने वीडियो का लिंक। और यहाँ पर हम हमारे दिख रहा है पोस्ट, तो इस पर हम पोस्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा ये वीडियो पोस्ट हो चुका है और ये हमारा थंबनेल पूरा दिखाई देगा पूरा का पूरा फ्रेंड्स। तो इसी तरह फिर हमें दोबारा से करके हम दिखा देते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम से स्टार्ट करते हैं, YT स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। और YT स्टूडियो ओपन करने के बाद हमारा वीडियो आ चुका है, थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे। और देखिए हमारा शेयर वीडियो का ओपन करने के बाद कॉपी का ऑप्शन आ गया, बैक करेंगे और हमें जाना है क्रोम ब्राउज़र में जो पहले का था, इसे पहले कट कर लेते हैं। फिर उसके बाद से जाएंगे सबमिट क्लिक पे क्लिक करेंगे और अपना वीडियो का लिंक कॉपी कर देंगे यहां से, और जेंडर लिंक पर कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपना वीडियो का लिंक आ चुका है, इसे हम फिर दोबारा से क्लिक कर लेते हैं कॉपी पर। फिर उस पर हम जाएंगे फेसबुक वाले पर, फिर उसके बाद से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। और फिर देखिए फ्रेंड्स हमने पहले बताया था पोस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, तो पोस्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। फिर से हमारा देखिए नाम का लोगो आ रहा है, हमारा यहाँ पर फ़ोटो लगा हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ पर अपना वीडियो का लिंक कॉपी कर, देखिए हमारा कॉपी हो गया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपना। पेस्ट करने के बाद
यहाँ पे पोस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, फिर हमने पोस्ट कर दिया। देखिए हमारा, देखिए चल रहा, थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता है, 1 से 2 सेकंड टाइम लेता है और वीडियो अपलोड। तो फ्रेंड्स हमने बताया वीडियो में कि अपने वीडियो का लिंक कैसे कॉपी किया जाता है फेसबुक पर, ताकि आप लोग का व्यूज़ बढ़े और सब्सक्राइब भी बढ़े, और इसी तरह किया जाता है फ्रेंड्स ताकि आप लोग कर सकेंगे। और नए वीडियो जो होता है, जानकारी नहीं होता किसी को भी, और जितने सारे यूट्यूबर है इसी तरह अपना जो है सब्सक्राइब और व्यूज़ बढ़ाते हैं इसी तरह, और सारे वीडियो जो बनाते हैं इसी तरह बनाकर अपना डालते हैं और अपने वीडियो का लिंक को कॉपी करके फेसबुक में ऐड करते हैं, ताकि उन लोग का सब्सक्राइब और व्यूज़ बढ़ता है। और कोई भी यूट्यूबर जल्दी बताता नहीं है फ्रेंड्स, और बहुत से लोग जितने होते हैं नए यूट्यूबर, छोटे छोटे जो यूट्यूबर है, छोटे बड़े यूट्यूबर होते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती कि व्यूज़ कैसे बढ़ेगा और सब्सक्राइब कैसे बढ़ेगा, ऑटोमेटिक ग्रो करेगा, ताकि चैनल जल्द से जल्द ग्रो करे और सब्सक्राइब उन लोग का बढ़े, और कोई बताता नहीं है यूट्यूबर। और फ्रेंड्स हमें इसी तरह जो भी जानकारी मिलती रहेगी आप लोग को, इसी तरह वीडियो बनाकर डालते रहेंगे, और आप लोग को वीडियो, हमें उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। और नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, और वीडियो में एंड तक बने रहें फ्रेंड्स, फिर अगली वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोग इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार देते रहे, ताकि हम आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहे, और इसी तरह हमें सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर अगली वीडियो मिलेंगे फ्रेंड्स।